जय मांबे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है किरण और लोदीज रेसिपी में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं पारंपरिक रेसिपी बनाने जा रही हूँ और ये रेसिपी अब लोस्ट होती जा रही है। फ्रेंड्स, ये महुए से बनाई जाती है और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं आज महुए से बनी दो रेसिपीज बनाऊँगी और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। एक महुए से बनी पूरी है जिसको महुहरी भी कहते हैं और ये मैंने खुरमा भी बनाया है जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। आप इसे 3 से 4 दिनों तक आराम से सर्व कर सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होती, हेल्थ के लिए अच्छी भी होती है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने उबला हुआ महुआ लिया है। महुए के जो बीज होते हैं इसे मैंने छील करके और साफ़ कर लिया है और इसे साफ़ पानी में अच्छी तरह से धो लिया है। उसके बाद इसे हम उबाल लेंगे। महुए को अच्छी तरह से उबालना है। उसके बाद मैंने इसका पानी निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बनाना बहुत ही ज़्यादा सरल होता है। मैंने 2 चम्मच के करीब घी लिया है और थोड़ा सा इसमें हल्का सा फ्लेवर लाने के लिए मैंने कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छी तरह से पीस लिया है। इसमें हम 1 से 2 चम्मच ही पानी डालेंगे और इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। अब चलिए इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने गेहूँ का आटा लिया है और इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब घी ऐड किया है। पहले हम इसका मोयन लगा लेते हैं। इसे हम हाथों की सहायता से अच्छी तरह से पहले मिक्स कर देंगे और उसके बाद जो हमने महुए का पेस्ट तैयार किया उसी से हम डो तैयार करेंगे। अब चलिए मैं इसमें कद्दूकस किए हुए नारियल भी डाल देती हूँ। आप चाहें तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें महुए का टेस्ट चाहिए इसलिए मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। अब ये जो हमने महुआ पीसा है इसी से हम आटे को तैयार करेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा सा हम महुए का पेस्ट डालते जाएंगे और हाथों की सहायता से अच्छी तरह से इसका एक डो तैयार करेंगे। ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ज़्यादा गीला। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें डो चाहिए और इसे हम 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं। पूरी बेलकर मैंने पहले से तैयार कर ली है। अब चलिए खुरमा काट लेते हैं। तो ये मैंने एक लोई को थोड़ा सा लंबा कर लिया, उसे हम हाथों की सहायता से हल्का सा दबा देंगे। उसके बाद चाकू की सहायता से इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे किसी भी आकार में कट कर सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने लंबा करके इसके छोटे छोटे पीसेस कट किए हैं और देखिए पूरी को मैंने छोटा छोटा बेला है और इसे ज़्यादा मोटा और ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। और खुरमे भी तैयार हो गए हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा चुकी है पहले से और इस पर कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब हमें तेल ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, बस हल्का गर्म ही होना चाहिए और बिल्कुल हल्के गर्म तेल से ही हमें इन्हें फ्राई करना है। तो चलिए पहले पूरी को तैयार कर लेते हैं। तो पूरी को मैंने हल्के गर्म तेल में और अच्छी तरह से फ्राई किया। धीमी आंच में हमें इसे फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और अच्छी तरह से ये पक जाती है। तो बस इस तरह से हम 2-2, 3-3 के अनुसार से पूरियाँ डालते जाएंगे और इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, महुए की रेसिपी बहुत ही अच्छी होती है और आप इसे ठंड के सीज़न में यदि सर्व करेंगे तो आपको इसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा और हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। अब ये लोस्ट रेसिपीज़ में आती जा रही है, तो फ्रेंड्स आप इसे खोने मत दीजिए। ये हमारी पारंपरिक रेसिपी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। हमारी नानी और दादी के समय यह बनाई जाती थी। तो फ्रेंड्स, ये हर छठ के समय महुए का सेवन किया जाता है। तो मेरे पास थोड़ा सा महुआ बच गया था इसलिए मैंने इस रेसिपी को डाला है। चलिए अब खुरमा को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पे हम खुरमे को भी फ्राई करेंगे। जिस तरह से हम सलोनी फ्राई करते हैं बस उसी तरह से हम खुरमा भी फ्राई करेंगे। साल में एक बार मैं इस रेसिपी को ज़रूर बनाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये खुरमे भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और ये न्यू टोकनी है तो इस पर मैं इसे निकाल लेती हूँ, तो जिससे इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी महुए की पूरी भी बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है और ये खुरमे भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। जल्द मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।